मही मही, सोनिया भाभी तुमसे कुछ बात कर रही थी, तुमने उनको ठीक से जवाब नहीं दिया और तुम यहां मुंह लटका के क्यों चली आई? सागर जी, आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत मही, तुम उस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो ना? है? हाँ। अरे बाबा, मैं अपनी बीवी के लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? वो सब ठीक है सागर जी, लेकिन इतना महंगा तोहफा। ओहो मही, तोहफा देते वक्त महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। अच्छा तो लेकिन सागर जी, आपने सासू माँ को इसके बारे में बताया कि नहीं? वो मानेगी कि नहीं? अरे मही, तुम मॉम की बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने जैसा तोहफा तुम्हें दिया है ना, बिल्कुल वैसा ही तोहफा मैं मॉम को भी दे दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगी। क्या? हाँ। नहीं 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 सागर जी, अरे हमारे लिए तोहफा खरीदा उतने में सारे पैसे चले गए, तो अगर हम सासू माँ के लिए खरीदेंगे तो एक मिनट मई मई, हमारे लिए का क्या मतलब है? अरे ये तोहफा हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा, मेरी अकेली के लिए? हाँ। अकेली नहीं जाऊंगी पापा। कहाँ अकेली नहीं जाऊंगी? अरे चांद पर। मई, कौन तुम्हें चांद पर लेके जा रहा है? लो बोलो। अरे चांद भाई, चांद पे घोंसला वाले भाई। What? चांद भाई? अरे वो तो ज्वेलर है, उसी के पास से तो मैं तुम्हारे लिए चंद्रहार बनवा रहा हूँ मई। चंद्रहार? हाँ। ओहो मई, वडोदरा में जो मेरा मराठी दोस्त रहता है ना, समीर गरुड़, उसने अपनी वाइफ के लिए चंद्रहार बनवाया, तो मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही तोहफा मैं अपनी मही के लिए लूंगा। आप हार देने वाले हो? हाँ बाबा। हाय हाय सागर जी, मैं तो बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाली थी। कैसे? वो हुआ यूं। अरे मेरी भोली बीवी, एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी ना। अरे ऐसे थोड़ी कोई चांद पे लेके जा सकता है, उसने तुम्हें उल्लू बना दिया मही। सागर जी, चांद भाई ने मुझे उल्लू बनाया है ना, तो अब हम उसे उल्लू बना दें। हेलो चांद भाई, 4 लाख का इंतजाम हो चुका है, अब एक काम कीजिए, अब हमारे घर पर आ जाइए। चांद भाई, ये लीजिए आपके 4 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच मई जी, मैं लेता नहीं लेकिन। ये क्या हो रहा है मई जी? अच्छा चांद भाई, अब तो हमारा सपना पूरा होगा ना। और हमारा सपना टूट जाएगा उसका क्या? मई जी, ये लोग कौन है? अब इन्हीं से पूछ लीजिए, पूछो। हेलो, आप लोग कौन हो? एलियन 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 एलियन। चांद पर जमीन बेचकर हमें हमारे घर से बेघर करना चाहता है। आक्रमण! ये! ऐसा तो नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है ये। पुलिस आ गई तो मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अरे तो फिर आपने ये सब किया क्यों? एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको छोटे में सुनाता हूँ। समीर? नहीं। तो सागर? हाँ। सागर जी, आपने मुझे वो पेंडेंट के लिए फोन किया था, राइट? तो उसके बाद में मैंने आपको कॉल बैक किया था, तभी आपकी जगह आपकी मिसेज ये महीने ने फोन उठा लिया था। अब उनकी बात सुनकर, उनका भोलापन देखकर,
मैंने सोचा कि मैं इन्हें उल्लू बना सकता हूँ। ऊपर से मुझे वो आपके सरप्राइज वाली बात पता चली तो मैंने ये प्लान बना लिया। ये प्लान से तो मैं मही जी को उदल जाओ उदल मही जी, I'm really sorry। हेलो उदल, लेते जाइए। सागर जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात, अब तो मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। वैसे अब तो ये सरप्राइज रहा नहीं। सगाई की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। ए रोहित, सोनिया का चंदन हार? वो मैं भूल गया। भूल गया? करिए ला गुदगुदी। अरे 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 मॉम का फोन है। हेलो, हाय मॉम। हाँ अच्छा, अरे वाह मॉम। नो 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 प्रॉब्लम मॉम, या बाय। अरे मही, एक गुड न्यूज है। क्या? हम लोग दिवाली के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये! और क्यों? अरे वो उफ ये नादानिया की वर्मा परिवार है ना, अब वो तारावंती जी, हाँ उन्हीं के घर। उन्होंने फोन करके मॉम को पूरे मेहता परिवार के साथ उनके घर बुलाया है। क्या हाल हो? आप पते ले तलो, ये दो दो डाउन में हम में से किसी तो नहीं जमेदा।